सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। अंकिता कैसी है? जिंदा है, शायद कल उसका आखिरी दिन होगा। कल सब लोग दिवाली मनाएंगे पर शायद मैं अपनी बहन का मातम मना रहा होगा। बोलते हुए उसकी आंखें भर आई। उसकी बात सुनकर प्रिया की भी आंखें नम हो गई। प्रिया के कुछ बोलने से पहले ही उसने पूछा, देखो बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि तुम ही बता सकती हो उस दिन क्या हुआ था। प्रिया अपनी डरी सहमी आवाज में उसे बताने लगी। दूसरे दिन से कॉलेज की दिवाली की छुट्टियां थी। हम सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के पीछे उस सरकारी अस्पताल में प्रैक्टिस के लिए हमेशा जाते थे। उस दिन भी गए थे। हमेशा की तरह हम मरीजों को चेक करके अपनी रिपोर्ट बनाने जा रहे थे कि तभी एक कर्मचारी पीछे से स्ट्रेचर पर लदी एक लाश हमारे पास से ले गया। स्ट्रेचर से थोड़ा बाहर निकला हुआ लाश का हाथ अंकिता के हाथ से टच हो गया और एकदम से उसके शरीर में सिरहन पैदा हो गई और हम सभी का ध्यान उस लाश पर गया। सरकारी अस्पताल में तो लाशों का रखा जाना तो आम बात है। हाँ, पर वो लाश आम नहीं थी, 14 या 15 साल की लड़की की लाश थी। अब इसमें खास क्या है? उस लड़की के बदन पर स्कूल का यूनिफॉर्म था और वो लड़की 6 या 7 महीनों की प्रेग्नेंट लग रही थी। प्रिया की बात सुनकर वो सन्न रह गया और दोबारा प्रिया बताने लगी। लाश कोने वाले एक कमरे में रखकर वो कर्मचारी चला गया, पर हम चारों सहेलियां जैसे सहम गई थी। अंकिता उस लड़की को देखना चाहती थी, इसीलिए मेरे लाख मना करने पर भी वो मुझे लेकर उस कमरे में गई। कमरे की लाइट शुरू की तब पता चला कि वहाँ 3-4 लाशें और रखी हुई थी। मैं अंकिता के पीछे चल रही थी और अंकिता हर लाश के ऊपर से सफेद कपड़ा हटाकर उस लड़की की लाश खोजने में लगी हुई थी। आखिरकार उस लड़की की लाश मिल गई। उसके ऊपर का सफेद कपड़ा हटाकर पास ही रख दिया। लड़की काफी मासूम लग रही थी, शायद पानी में डूबकर मर चुकी थी या मारा गया था। स्कूल की यूनिफॉर्म पुरानी लग रही थी और उस पर कुछ जगह सिलाई करके कपड़ा जोड़ा गया था, शायद किसी गरीब परिवार से होगी। पानी में भीगने की वजह से खुले बालों का जैसे गुत्था बन गया था। हमने दोबारा उसके ऊपर कपड़ा डाला और जा ही रहे थे कि अंकिता ने दोबारा मुड़कर उस लाश की तरफ देखा तो वो लड़की अपने मुंह का जबड़ा खोले स्ट्रेचर पर बैठी हमारी तरफ देख रही थी और झट से उसने पास खड़ी अंकिता का हाथ पकड़ा। डर के कारण अंकिता ने जोर से गहरी सांस ली और नीचे गिर पड़ी। मैंने मुड़कर देखा और हैरान हो गई, क्योंकि स्ट्रेचर पर रखी वो लाश और अंकिता दोनों नीचे जमीन पर पड़ी थी और अंकिता ने उस लड़की का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। वो नजारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। प्रिया की बात सुनकर उसने कहा, शायद सरकारी अस्पताल में उसकी कोई जानकारी मिल जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ, कहकर अस्पताल के लिए निकला। बाइक लेकर वो शहर की सड़क से जा रहा था। कुछ ही देर में उसी सरकारी अस्पताल में पहुंच गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंदर जाते ही वहां के एक कर्मचारी से पूछा, सर 5-6 दिन पहले यहाँ एक लावारिश लाश दाखिल हुई थी। कर्मचारी ने थोड़े मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये इतना बड़ा शहर है, यहाँ हर रोज कम से कम 2-4 लावारिश लाशें तो आती ही जाती है। कोई सड़क के किनारे मरा पड़ा मिलता है तो कोई पानी में बहकर आता है। तुम किस लाश को ढूंढ रहे हो? कर्मचारी की आंखों में देखते हुए उसने कहा, सर वो लाश साधारण नहीं थी, 5-6 दिन पहले आई थी। वो लावारिश लाश एक 15 साल की लड़की की थी और वो प्रेग्नेंट थी। कर्मचारी के चेहरे पर से हंसी ऐसे गायब हो गई मानो गधे के सर से सिंग। कर्मचारी ने झट से अपना रजिस्ट्रार खोला और 2-4 पन्ने पलटकर डायरी में दर्ज हुलिया पढ़कर एक कमरे का नंबर बताया। शुक्रिया सर, कहकर वो बताए कमरे को ढूंढता हुआ आ गया। बाहर खड़े आदमी से पूछा, सर ये लाश आपके यहाँ दाखिल हुई थी? वैसे तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? कर्मचारी के सवाल से वह एकदम से चुप हो गया। रिश्ता? किसी लवारिश लाश के साथ कोई कैसे जुड़ेगा? पर उस कर्मचारी की आंखों में देखकर बगैर हिचकिचाए उसने कहा, रिश्ता? सरकारी अस्पताल से बैग में कुछ रखकर वह दोबारा उसी मेंटल हॉस्पिटल की तरफ निकला। शाम हो रही थी।
आसमान में सूरज डूब रहा था और उसकी बहन के जिंदा रहने की उम्मीद भी डूब रही थी। वह दोबारा उस मेंटल अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर साहब, मैं एक बार अंकिता से मिलना चाहता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? भूल गए वो किस तरह तुम पर झपट पड़ी थी? वो अपना आपा खो चुकी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, केवल एक बार। डॉक्टर साहब ने परेशान निगाहों से उसकी ओर देखा। अंकिता बेहोशी की हालत में बेड से बंधी हुई थी। अपनी बहन के पास उसी बेड पर बैठ गया। अपनी बहन का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उससे बात करने लगा। देखो, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर भी तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा, पर इसकी सजा किसी और मासूम को दी जाए, क्या ये जायज है? इतना कहकर उसने अपनी बैग से एक कागज निकाल कर कहा, ये रहा तुम्हारी बेगुनाही का सबूत। केवल इतना बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? उसकी बात सुनकर अंकिता ने झट से आंखें खोली, पर उसकी आंखों में वो डर, खौफ या गुस्सा नहीं था। बस वो रोते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नजदीक गया और बेड पर पड़ी अंकिता ने उसके कान में कुछ कहा। सूरज डूब चुका था। रात के अंधेरे में शहर की चकाचौंध भरी आवाजाही को पीछे छोड़ते हुए उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल गहरे अंधेरे से गुजरने वाली उस सुनसान सड़क पर चलने लगी। अब उसका सफर पूरा होने के करीब था। वह एक गांव में पहुंच गया था। छोटे छोटे घर, आंगन में बैठे पालतू जानवर, भेड़ बकरियां, खुट्टे से बंधी गाय भैंसे, घरों की दहलीज पर दिवाली के दीपक जलाए हुए थे। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। पति पत्नी और दो छोटी बच्चियां शायद अपना सारा सामान समेटकर घर छोड़कर कहीं जा रहे थे। अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी करते हुए वो उनके पास गया। गौरी आप ही की बेटी थी ना? वे लोग एकदम से चौंक गए। उस आदमी ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर कहा, गौरी के बारे में पूछ रहा है तो तू ही है वो जिसने हमारी गौरी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तेरी वजह से हमने अपनी बेटी को अपना नहीं कहा, किसी पराए की तरह घर से निकाल दिया। उसने झट से अपनी गर्दन छुड़ाई और चिल्लाकर कहा, उसकी जिंदगी तो आप लोगों के अज्ञात ने बर्बाद कर दी। पता नहीं उस मासूम बच्ची को आपके क्या क्या ताने सहने पड़े होंगे, क्या नहीं कहा होगा, पर असलियत जानना चाहते हो? उसकी आवाज सुनकर गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। भीड़ में से किसी ने कहा, असलियत हमसे सुन, स्कूल जाने की उम्र में वो पेड़ से थी, तो क्या ऐसी कलंकनी लड़की को हम गांव में रहने देते? ना उसकी इस गांव में जगह है, ना उसके असंस्कारी पापी परिवार की, इसलिए इन्हें भी गांव छोड़कर जाने की सजा दी है। उस आदमी की बात सुनकर उसे गुस्सा तो आ गया था, फिर भी खुद पर काबू रखते हुए उसने अपनी बैग में हाथ डालकर एक कागज निकाल कर कहा, ये रही गौरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जिस मासूम लड़की का पेट देखकर आपने कलंकिनी कहा, उसके पेट से 6 किलो का ट्यूमर निकला। बेचारी का शरीर ट्यूमर का दर्द सहता रहा और कान दिल चीर देने वाले कड़वे ताने सुनते रहे। इन सब से तंग आकर उसने इस गांव की नदी में कूदकर अपनी जान दी, जिससे उसके शरीर को जानलेवा दर्द से तो छुटकारा मिल गया, पर उस कलंक ने उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं दी। इतना कहकर उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गौरी के पिताजी के हाथ में दिए और बैग में हाथ डालकर वह अस्थियों का कलश निकाल कर कहा, पुलिस ने लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आज अगर मैं नहीं पहुंचता तो वो इन अस्थियों को भी बहा देते। जानते हैं, कलश और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से पहले उस कर्मचारी ने मुझसे पूछा था, वैसे तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? रिश्ता? तब मैंने जवाब दिया, रिश्ता, ये मेरी छोटी बहन थी। गांव वाले शर्मिंदा होकर अपने अपने घरों में चले गए, पर एक परिवार अपनी फूल सी बच्ची खो चुका था। गौरी की मां रोती रही, बिलखती रही और बाप सिर पीटता रहा, पर अब देर हो चुकी थी। अपनी बाइक से वो शहर के लिए निकला। शायद उसे सुबह होने से पहले शहर पहुंचना था। अगर अंकिता को शॉक ट्रीटमेंट दी गई तो उसका बचना नामुमकिन था। बाइक तेजी से सड़क पर चलाते हुए वो शहर पहुंच गया। तब तक सुबह हो चुकी थी। अस्पताल में उसके पापा डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे। अपनी बेटी को सामने देखकर वे बोले, देखा, मैंने कहा था ना, ये शहर के सबसे काबिल डॉक्टर है। देखा, अंकिता को शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। जाओ मिल लो अपनी बहन से। दरवाजा खोलकर वो अंदर गया तो अंकिता बिल्कुल ठीक थी। उसे देखने आई प्रिया भी उसी के पास बैठी थी।
तभी अंकिता ने कहा, माँ भूख लगी है, प्लीज कुछ लाओ ना खाने के लिए। हाँ बेटा लाती हूँ। टिफिन लाने माँ बाहर गई। प्रिया और भाई को ऐसे चुपचाप देखकर अंकिता बोली, पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में पूछ पूछ कर मुझे परेशान करते रहते हो, और जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हो तो ऐसे चुपचाप खड़े रहते हो। माँ से बोलती हूँ कि इन दोनों की शादी करा दे। उसकी बात सुनकर प्रिया शर्माते हुए बाहर चली गई, और तभी माँ टिफिन लेकर अंदर आ गई। वो भी दरवाजे से बाहर जा रहा था कि तभी एक आवाज उसके कानों पर पड़ी। सोचा था दोबारा लड़की बनकर जन्म नहीं लूंगी, पर अपनी बहन के लिए तुम्हारे दिल में प्यार देखकर सोच रही हूँ तुम्हारी बेटी बनकर दोबारा आऊंगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, बस माँ अंकिता को खाना खिला रही थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।